आप सभी का चैनल में स्वागत है। जावा लैंग्वेज सीरीज़ में आज हम लोग मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स को समझते हैं। मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स, यस, जावा लैंग्वेज सपोर्ट्स डिफरेंट मेथड्स विच आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। दिस मेथड्स आर ऑलरेडी डिफाइंड इन जावा पैकेज एंड दैट पैकेज इज java.lang। दिस पैकेज कंटेन्स all mathematical methods. Now we have a list of methods by which we can perform a different task. These are min, max, pow, sqrt. किसी भी mathematical methods को अपने program में use करने के लिए हमें एक syntax को follow करना होता है। वो ये है कि आपका सारा mathematical methods math class के अंदर define है और math class के अंदर वो सारे method statically define है। So हमें उन मेथड को अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें मैथ क्लास को यूज़ करना होगा, मैथ डॉट एंड मेथड नेम। नाउ इन पैरेंथेसिस वी हैव टू पास द आर्गुमेंट। सो हियर मैथ डॉट मीन, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट pow। मैथ इज अ क्लास, सो इट्स अ फर्स्ट लेटर विल बी इन कैपिटल लेटर इन जावा लैंग्वेज। येस वी नो इफ वी आर गोइंग टू यूज एनी प्री डिफाइंड क्लास, सो देयर फर्स्ट लेटर आर इन कैपिटल, सो वी कैन जस्ट यूज दिस सिंटेक्स टू यूज एनी मेथड्स इन आवर प्रोग्राम। यूज एनी मैथमेटिकल मेथड इन आवर प्रोग्राम, वी डोंट हैव टू इम्पोर्ट एनी पैकेज बिकॉज जावा डॉट लैंग इज अ पैकेज विच इज ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेड इन आवर प्रोग्राम। सो we can directly use this method in our programs. So let's have an example to work with mathematical library methods. We have three variables. The value of a is suppose 20 and the value of b is 30. We have to find the maximum between them, so we can use math.max with both parameters or argument. Now we can easily print the maximum number is C. So here math.max function will check the maximum between these two given numbers. They are the argument for this method, and now the result will be returned and the result will be stored in C, and we have just displayed the result on a screen. Now we can compile the program. Yes, there is no any syntax error. Now we can execute it, and here we are getting the maximum number is 30.